नगर निगम विभाग द्वारा महानगर की आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लगातार महानगर के अलग अलग मोहल्लों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली रोड गंगन चौराहा वार्ड 23 फाजलपुर के मोहल्ला अम्बेडकर नगर से लेकर गगन चौराहा तक सैनिटाइजेशन किया गया। पंपिंग मशीन के द्वारा पूरे मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। साथ ही जनमानस से अपील भी की गई कि 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क है जरूरी विषय पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे को छूने से भी लगती है। इसलिए हाथ ना मिलाएं, उचित दूरी पर रहें और चेहरे पर नाक पर मास्क लगाकर रखें। महानगर के वार्ड 23 अम्बेडकर नगर में सैनिटाइजिंग टीम की अगुवाई कर रहे नगर निगम के कर्मचारी से जब बात की गई, तब कर्मचारी द्वारा बताया गया कि आज लाकड़ी फाजलपुर में अभियान चलाकर मोहल्ले मोहल्ले छिड़काव किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। क्षेत्रीय पार्षद अशोक सैनी का यह कहना है कि वह अपनी जनता के साथ है और जनता की सहूलियत के लिए, जनता को इस बीमारी से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। सैनिटाइजिंग कर रहे कर्मचारी से जब बात की गई तो कर्मचारी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया को इस तरह से व्यक्त किया गया। कोई जगह है आज जो सैनिटाइज हो रहा है हमारे वार्ड 23 में गागन पर और वार्ड 4 में लाकड़ी में, यहाँ सैनिटाइज हो रहा है। क्या उद्देश्य है इस तरह का और क्या अपील करना चाहोगे लोगों से? इसका उद्देश्य ये है, सर्वप्रथम सबसे पहले तो जो कोरोना बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इससे बचाव कराना और हमारे पूरे क्षेत्र को जो है इस कोरोना बीमारी से मुक्त करना। अपील क्या रहेगी जनमानस से आपकी? अपील हमारी जनमानस से यही है कि मास्क पहने और अपनी दूरी, उचित दूरी बनाए रखें। हमारी और पूरे नगर निगम की तरफ से यही अपील है।